आजकल एक बहुत ही तगड़ा डेवलपमेंट का काम चला हुआ है घर पे, और पीछे देखो आप यहाँ पे, मतलब एक से एक धुरंधर खड़े है। मशीन चिंगाड़े मार रही है, एक्चुअली चिंगाड़े ये लकड़ी मार रही है जिसको मशीन के अंदर फेंक रखा है ना। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यानी गाँव वाला के साथ, और हर बार की तरह मैं हूँ मैं और आप है आप, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे प्यारे साथियों, और इसी शुभ काम के साथ आज एक और अच्छा काम है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज हमारा नया साल शुरू होता है। तो इसी के साथ साथ आपको हिंदू नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं चला हूँ हमारे पड़ोसी गांव कांडू की तरफ, जिसका कारण ये है कि आज नए साल की शुरुआत पे संक्रांत का एक ऑस्पिशियस त्यौहार कह लीजिए आप, वो सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके ऊपर सबसे पवित्र जो आज शुरुआत हुई है वो है हमारे नवरात्रि। तो साथ में आपको नवरात्रों की भी शुभकामनाएं। चलते चलते पसीने छूट गए काफी, अप्रैल के मतलब लगभग आधा अप्रैल चला गया, गर्मी ठीक ठाक हो रही है अब यार। और गांव में आके हमें एक और बात का पता चला कि पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है अभी से। तो अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अभी तो सिर्फ अप्रैल शुरू ही हुआ है और हमें पानी अभी भी नसीब नहीं हो रहा है। तो भैया आगे पानी को लेकर के तो बहुत बवाल होने वाला है, और साथ में गेहूं की फसल तैयार हो ही चुकी है लगभग, अब इसे काटना बाकी रह गया है। और चलते चलते रास्ते में जब ऐसा स्पॉट मिल जाए कि जहां आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो, तो इस मौके को हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। यहां पर अभी हवा बहुत मध्यम सी हवा, मतलब गालों को ऐसे ठंडे तरीके से छू के जा रही है कि थोड़ा गर्मी का असर कम हो गया। कार कौन है क्या था बस आई कह तीत पांडे अरे कह थी है ठीक है कहते तोश मैंने मार दे तू जो कर देगी थे ऐसे देख दिया देख लो पाल लो बस खिंडी तुम्हारे तू दी लाइन दियो सभी बोलो बोलो थी आगड़ी है बोलो इन तो ये तो तब मेरे हाथ से लाग दे रहे वीडियो लुई बाने पास बोलो देख देना मार दे तू हो इतरीन के देख खिंडी के तुम दे पड़ो पड़ो बसो तू के तुम दे पड़ो अच्छा नानका ही नानका कौन तब तो तू है इनका सियाना सोबी का हिला माता कौन था तेरा नौकर कहा लो इनको रे इस तेरे तो ठीक ठाक चालो वो कैन रे कुड़ी है नाड़े तुम्हारे गाँव के कित के कित के सुन की ना थी। तो सर बैकग्राउंड में बड़ा बढ़िया सा देखो आप, ये देखो यार
केले का, केले का है भाई। अब देख लो केले का जो भी है, केले के पेड़ है, और जब इस पे लगते हैं ना पहाड़ी केले, अगर आपने खाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों ने खाए होंगे जो पहाड़ों में रहते हैं, तो मतलब काफ़ी छोटा होता है लेकिन मोटा होता है, और जो मिठास है ना उसका, ओह हो, बहुत ही ज़बरदस्त। हम लगभग पहुंच चुके हैं कांडू गांव में, और अब थोड़ा सा ये पीछे को जो आप ये कैसे कह, गांव कैसे कह था, मैं तू नंदी था के गई थी कांड आया था। कांड आया था, हाँ तो जानदा नहीं यार, मुँह जानो तू है। तो ये थोड़ा सा गांव, घर जो दिख रहा पीछे, कांडो गांव ही है ये। अभी वहीं पर जाएंगे हम मंदिर में। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस चक्कर से, हाँ ये देखो अंदर से मतलब पूरी एकदम लकड़ी की कारीगरी कर रखी है मंदिर में। तो आप इस मंदिर को ऐसा समझिए कि जैसे हिमाचल की राजधानी है शिमला में, और हमारा सिरमौर का हेडक्वार्टर रहेगा नाहन में, तो ये भी उसी तरह से एक हेडक्वार्टर है। जो शिवशंकर की राजधानी है वो है ऊपर चूड़धार टॉप पर, और हमारा यहाँ लोकली जो हेडक्वार्टर है वो है अपना कांडो का ये मंदिर जिसमें मैं अभी हूँ। तो सर मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, और अब घर की ओर चलेंगे वापस। और पीछे अगर आपको थोड़ा थोड़ा पीलापन दिख रहा है, तो ये हमारे गेहूँ है जो पक चुके हैं, और वो अब राड़िया मारने को तैयार है कि आओ हमें ले जाओ काट कर। तो इससे पहले कि हम अलविदा कहें, आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, इस उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय हिमाचल।